हमने सुना कि यहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन भी आए थे, वो कैसे आए थे? यहाँ इनकी बैंग बैंग फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहाँ पर फाइट का सीन है दुकान में, उन्होंने हमारे पराठे खाए थे। पराठे कैसे लगे फिर उनको? अच्छे लगे थे, यहाँ पर उनके सारे डायरेक्टर थे, उन्होंने भी सबने खाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनएफ नेशनल, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अमन धालीवाल। आज मैं पहुंचा हूं शिमला, हर बार की तरह एक डिश लेकर। और जिस जगह पर आज मैं पहुंचा हूं, वहां की चाय और भजिया है बहुत ज़्यादा फेमस, और इस चाय के भजिया के बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन भी दीवाने हैं। तो क्या है इस चाय और भजिए में, आपको हम बताते हैं आज की वीडियो में, आइए मेरे साथ। अब बात करते हैं इस फेमस शॉप के ऑनर के साथ, जो इस शॉप को लंबे समय से चलाते आ रहे हैं, तो आए मेरे साथ। हेलो सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार है। तो विजय कुमार जी, कितना टाइम हो गया आपको ये शॉप करते हुए? हो गए 52 हो गई, मैंने वो शुरू से कर लिया था 10 साल के उम्र से। तो हमने सुना कि यहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन भी आए थे, वो कैसे आए थे? वो यहाँ इनकी बैंग बैंग फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहाँ पर फाइट का सीन है दुकान में हमारे। उन्होंने आपकी चाय और भजे को टेस्ट किया? उन्होंने हमारे पराठे खाए थे। पराठे तो कैसे लगे फिर उनको? अच्छे लगे थे, यहाँ पर उनके सारे डायरेक्टर थे, उन्होंने भी सबने खाए। तो आप अकेले ही शॉप को चलाते हैं या और कोई भी आपके साथ? नहीं, पहले फादर थे, फिर उनकी डेथ हो, फिर थे, उसके बाद मैं अकेले ही चलाता। तो यहाँ पर फिर कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? आपके सामने ही है। अच्छा, फिर ये कितने बजे ओपन हो जाती है आपकी और ये शॉप, और कितने बजे क्लोज करते हैं? हम कोई 6 बजे खोल देते हैं सवेरे मॉर्निंग में, सवेरे ब्रेकफास्ट होता है हमारा, पराठा वगैरह, शाम को 8 बजे हम क्लोज कर देते हैं। जैसे आपकी चाय और भजे तो यहाँ का फेमस है, इसके अलावा यहाँ पर क्या फेमस है आपका? हमारे पराठे हैं जी, पराठे फेमस हैं, समोसे हैं, गुलाब जामुन हैं, बाकी सभी चीज़ें अच्छी है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं आपके सामने। तो सबसे ज़्यादा पसंद फिर किसको करते हैं? रेगुलर चीज़ें जो सारी है चली है हमारे। अब सर, हमारे दर्शकों को इस जगह का एड्रेस बता दीजिए, ताकि अगर हमारे दर्शक यहाँ पर आना चाहें और आपकी चाय और भजिए का स्वाद टेस्ट करना चाहें, तो उनको पता हो। विजय स्वीट शॉप, मिडल बाजार, छोले वाली पौड़ियाँ। तो थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और अब हम इसको थोड़ा देखते हैं कि इनकी चाय कैसी है और इसका स्वाद कैसे है, कि जो लोग इतने इतने दूर दूर से आ रहे हैं और खुद यहाँ के ऋतिक रोशन इस चाय के और पराठे के हैं फैन। का फेमस भजिया और स्पेशल चाय मेरे पास पहुंच चुकी है, और मैं अब इसको करने वाला हूं टेस्ट, और आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट वाकई में है कैसा। आइए। वाह, मुझे आज भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो बरसात हुआ करती थी और मम्मी भजिए के साथ चाय बना कर देती थी, और इसका टेस्ट वैसा ही है। अगर आपको इस टेस्ट को लेना है तो आपको शिमला आना होगा इस शॉप पर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।